अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था का बिगड़ते जाना एक बड़ी चिंता का विषय है और जिस तरह से राज्यपाल लगातार चिंता जता रहे हैं, राज्य सरकार को चेता रहे हैं, राज्य सरकार की तरफ से लगातार ढिलाई बरती जा रही है, तो लगता है कि राज्य में कानून का शासन ही नहीं रह गया है। राज्यपाल बार बार सवाल करते हैं लेकिन उनको टकासा जवाब दे दिया जाता है। राज्यपाल की स्थिति यह हो गई है कि वह टीवी चैनलों पर आकर और सोशल मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं, चेता रहे हैं कि राज्य की कानून व्यवस्था के प्रति सतर्क होइए, सचेत होइए मुख्यमंत्री जी, लेकिन राज्य प्रशासन ने जैसे राज्यपाल की अनदेखी करने का प्रण ले लिया है। लगातार ऐसा हो रहा है, सिलसिलेवार तरीके से हो रहा है और जिस तरीके से विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है वो दिखाता है कि पश्चिम बंगाल शायद देश में एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां पर विपक्ष के लोगों पर क्रूरता के साथ व्यवहार किया जाता है। आपने देखा कि बीजेपी की रैली में किस तरीके से पुलिस का व्यवहार रहा। ठीक है, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन पुलिस का जो व्यवहार है वो थोड़ा संयत रहना चाहिए, खासतौर पर जब लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखी जा रही हो, अपनी आवाज उठाई जा रही हो। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस, अब देखिए कि देश के किसी दूसरे राज्य में अगर कोई मुद्दा सामने आता है, कोई घटना सामने आती है तो किस तीव्रता के साथ वो मुद्दा उठाते हैं और उस राज्य की सरकार को निशाने पर लेते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस इस बात पर बिल्कुल गौर नहीं करती है कि पश्चिम बंगाल में हालात क्या है और क्या से क्या होते जा रहे हैं। आप पश्चिम बंगाल में अगर नहीं रहते हैं तो आपको लगता होगा कि ये जो कुछ होता है ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है, चुनावों को देखते हुए पार्टियां ऐसा जो मुद्दा उठाती हैं और सरकार को घेरती हैं। हमको भी ऐसा लगता था लेकिन लोकसभा चुनाव में जब हमने चुनाव प्रचार की कवरेज के लिए पश्चिम बंगाल का दौरा किया तब हमारी आंखें खुली और हमें विपक्षी दलों की उन बातों पर विश्वास हुआ कि उनकी आवाज़ को दबाया जाता है, तरह तरह से दबाया जाता है। हमने खुद इस बात को स्वयं महसूस किया था, चुनावी रैलियां जब विपक्ष कवर करने जाते थे तब हमें, अगर आप दिल्ली में बैठे हैं, लखनऊ में बैठे हैं तो आपको या किसी अन्य शहर में बैठे आपको इस बात का अंदाजा ही नहीं हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का वाकई में कह सकते हैं कि मखौल उड़ाया जा रहा है। आज की ये रिपोर्ट हमारी पश्चिम बंगाल पर ही केंद्रित है। राज्यपाल ने क्या क्या कहा है, हालिया जो उनके बयान हैं उसमें राज्य सरकार के बारे में क्या आरोप लगाए हैं, राज्य सरकार से क्या सवाल पूछे हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। और आपको बता दें कि अब क्योंकि 2021 में वहां पे विधानसभा चुनाव है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह खुद मोर्चा संभालने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बताया जा रहा है कि 22 अक्टूबर को वहां पर बंगाल के लोगों को संबोधित कर सकते हैं, वर्चुअल रैली कर सकते हैं और अमित शाह का भी दुर्गा पूजा से पहले बंगाल दौरे का कार्यक्रम है। बताया जा रहा है कि शायद वो नॉर्थ बंगाल जा सकते हैं, पार्टी के संगठन से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का जो दुर्गा पूजा के अवसर पर बंगाल के लोगों को संबोधन रहेगा वह भी अपने आप में महत्वपूर्ण रहने वाला है। और जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, निर्मम हत्या हो रही है, वो दिखाता है कि किस तरीके से राजनीतिक हत्याएं एक बस आम घटना बनकर रह गई है पश्चिम बंगाल में। ऐसा हम पहले केरल में देखते थे लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये जो प्रचलन है ये पश्चिम बंगाल आ पहुंचा है लगातार। और अब देखिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस ने जिस वाम शासन की जो वाम शासन के दौरान की जो कुरीतियाँ थी, जो उसकी जो भी गलत कार्य थे उनको उठाकर उनके ऊपर उनके विरोध में वोट मांगकर सत्ता हासिल की, आज तृणमूल शासन में वही सब देखने को मिल रहा है। आज की इस रिपोर्ट में बात करेंगे हम पश्चिम बंगाल के हालात की भी और ममता बनर्जी की भी, जो कि बीजेपी को कह रहे हैं कि सबसे बड़ी महामारी तो बीजेपी है। क्या कहा है ममता बनर्जी ने ये भी दिखाएंगे आपको। और किस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो ट्रांसपोर्टर हैं, जो ट्रक चालक हैं, वो हड़ताल पर चले गए, 6 लाख ट्रक हड़ताल पर हैं, 6 लाख ट्रक चालक हड़ताल पर हैं। और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आवश्यक वस्तुओं की जो आपूर्ति है प्रभावित हो सकती है। आइए शुरुआत करते हैं हमारी इस रिपोर्ट की।
भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस माह के आखिर में होने वाली दुर्गा पूजा के मौके पर पश्चिम बंगाल के लोगों को संबोधित करेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कुछ दिन पहले कहा था कि पार्टी की बंगाल इकाई प्रधानमंत्री से लोगों से यह आह्वान करने का अनुरोध करेगी कि वे आगामी दुर्गा पूजा के दौरान कोविड-19 नियमों का पालन करें। विजयवर्गीय ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर राज्य के लोगों को संबोधित करेंगे। वह 22 अक्टूबर को डिजिटल माध्यम से लोगों से जुड़ेंगे। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि इस साल दुर्गा पूजा का आयोजन कोविड-19 नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए किया जाएगा। विजयवर्गीय ने कहा कि दुर्गा पूजा से पहले केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह की संभावित बंगाल यात्रा की तारीख अभी अंतिम रूप से तय नहीं हुई है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, वह दुर्गा पूजा से पहले बंगाल की यात्रा करेंगे, हालांकि तारीख अब तक तय नहीं है। पार्टी सूत्रों के अनुसार 2021 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के संगठनात्मक पहलुओं पर विचार करने के लिए पूजा से पहले अमित शाह की बंगाल यात्रा होने की संभावना है। राजनीतिक रूप से ध्रुवीकृत पश्चिम बंगाल में दशकों तक सीमित उपस्थिति के बाद भाजपा 2019 के आम चुनाव में 42 में से 18 सीटें जीतकर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के मुख्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभरी है। उधर हाल ही में एक सिख व्यक्ति के साथ हुई घटना को लेकर राज्य सरकार के प्रतिकूल रुख की आलोचना करते हुए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सोमवार को कहा कि ममता बनर्जी की अगुवाई वाली सरकार व्यक्ति के साथ हुए अमानवीय व्यवहार के लिए समर्थन हासिल करने का प्रयास कर रही है। घटना में पुलिस ने सिख व्यक्ति की कथित तौर पर पगड़ी खींच दी थी। राज्य में कार्यभार संभालने के बाद से ही धनखड़ के प्रदेश सरकार के मतभेद जारी हैं। धनखड़ ने कहा कि यह घटना को सही ठहराने की बजाय चीज़ें ठीक करने का समय है। पिछले हफ्ते भाजपा के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक सिख व्यक्ति की पुलिस द्वारा पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद इसको लेकर विवाद हो गया। सोशल मीडिया पर एक वर्ग ने दावा किया कि हाथापाई के दौरान पुलिस ने उसकी पगड़ी खींची थी। 43 वर्षीय बलविंदर सिंह के रूप में पहचाना गया व्यक्ति पंजाब के भटिंडा का निवासी है। धनखड़ ने ट्विटर पर कहा, बलविंदर सिंह के साथ हुए अमानवीय व्यवहार को लेकर समर्थन हासिल करने और उसमें जोड़ तोड़ में जुटी बंगाल सरकार और पुलिस के प्रतिकूल रुख को लेकर चिंतित हूँ। इस घटना को सही ठहराने की बजाय यह चीज़ें ठीक करने का समय है। कानून इस तरह के गलत कामों को रोकने की अनुमति देता है। राज्यपाल ने रविवार को सिख समुदाय के सदस्यों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा था कि एक राजनीतिक संगठन अपने संकुचित हित के लिए जानबूझकर पिछले हफ्ते की घटना को सांप्रदायिक रंग दे रहा है, जिसमें सिख व्यक्ति शामिल था जिसकी पगड़ी पुलिस के साथ हाथापाई के दौरान खुल गई थी। राज्य के गृह विभाग ने एक ट्वीट में कहा कि भाजपा द्वारा सचिवालय तक निकाले गए मार्च के दौरान अवैध बंदूक रखने के आरोप में व्यक्ति को कानून के अनुसार गिरफ्तार किया गया। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा को बुरी ताकत और देश में सबसे बड़ी महामारी करार देते हुए सोमवार को दावा किया कि भगवा पार्टी अपने राजनीतिक फायदे के लिए राज्य में तनाव भड़काने की कोशिश कर रही है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि भाजपा की दिलचस्पी लोगों की भलाई में नहीं बल्कि सिर्फ सत्ता हासिल करने में है। उन्होंने कहा, एक और आपके सामने कोविड-19 और डेंगू है और दूसरी तरफ आपके सामने सबसे बड़ी महामारी भाजपा है। यह एक बुरी ताकत है। बंगाल में यदि आप राजनीति में हैं तो आपको कुछ मानदंडों का पालन करना होगा जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं। ममता ने अपनी पार्टी के मुखपत्र जागो बांग्ला द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, भाजपा को इससे मतलब नहीं है कि लोग मृत हैं या जीवित, उनकी दिलचस्पी सिर्फ सत्ता हासिल करने में है। मैं उनसे कहना चाहती हूं, यह आसान नहीं होगा। उन्होंने दुर्गा पूजा समितियों से कोविड-19 दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, कई राज्यों में प्रशासन ने या तो इस साल के समारोह को रद्द कर दिया है या इसे सिर्फ एक या दो स्थानों तक सीमित कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने जागो बांग्ला के विशेष संस्करण का विमोचन किया। उन्होंने सृष्टि नामक एक संगीत एल्बम को भी जारी किया। इसमें 7 गाने हैं जिन्हें ममता ने लिखा है। इस बीच पश्चिम बंगाल में 6,00,000 ट्रक चालकों का सोमवार से 72 घंटे की हड़ताल पर चले जाना प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है। ट्रक चालकों की मांग है कि सरकार मालवाहक और अन्य वाहनों की संशोधित लोडिंग क्षमता को तत्काल लागू करे। फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष बोस ने कहा कि हड़ताल बुलाने का मुख्य कारण पश्चिम बंगाल में माल वाहनों के लिए बढ़ी हुई 25% अधिकतम सुरक्षित एक्सल भार सीमा को लागू करने की मांग है।
उन्होंने दावा किया कि अन्य राज्यों में यह नियम पहले से लागू हो गया है। उन्होंने कहा मालवाहक वाहनों के लिए पश्चिम बंगाल को छोड़कर सारे देश में सुरक्षित एक्सल भार सीमा के संशोधित नियमों का लागू कर दिया गया है। बोस ने कहा कि हड़ताल को 600,000 ट्रक चालक समर्थन दे रहे हैं। यह हड़ताल 72 घंटे चलेगी। कोलकाता में बंदरगाहों पर ट्रांसपोर्ट सेवाएं देने वाले ट्रक चालक इस हड़ताल का हिस्सा नहीं हैं। उनके संगठन कलकत्ता गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया है। उधर मायानगरी मुंबई में आज अचानक ही दोपहर में अंधेरा हो गया। दरअसल पूरी मुंबई ठप हो गई। दिन रात भागते दौड़ने वाली मुंबई ठप इसलिए हो गई क्योंकि बिजली आपूर्ति प्रभावित हो गई थी। चाहे बड़े से बड़े उद्योगपति हों, चाहे बड़े से बड़े कलाकार हों, फिल्म अभिनेता हों, सबके यहाँ बिजली ठप। जो लोकल ट्रेनें थी वो वहीं पटरियों पर उनके जो पहिए हैं थम गए और सब कुछ जैसे ठप हो गया। सोशल मीडिया पर मीम्स वायरल होने लगे और इसके बारे में जो केंद्रीय बिजली मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि नेशनल ग्रिड में समस्या नहीं थी, स्टेट ग्रिड में समस्या थी। उन्होंने कहा कि हमारी एक टीम जा रही है बॉम्बे, वहाँ देखेगी कि क्या मामला था, ये क्या कारण थे और भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए हम इंतजाम करेंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी मामले की जांच के आदेश दिए हैं। देखना होगा कि इस जांच से क्या निकल कर आता है। आपको दिखाते हैं कि बिजली मंत्री आरके सिंह से जब मुंबई के इस जो बिजली आपूर्ति ठप हुई है उस पर पूछा गया सवाल तो उन्होंने क्या कहा। हालांकि शाम होने से पहले ही बिजली आपूर्ति पूरे शहर में बहाल हो गई थी। यू सी द पावर सप्लाई हैज बीन वर्चुअली रिस्टोर्ड out of 2000 odd megawatts which went off, about 1900 megawatts are now back, has been restored, and the remaining also will be restored in a couple of hours. One thing I must tell you that the problem happened not in the national grid. The national grid is fine, and the national grid is capable of supplying whatever power is required by Maharashtra. The problem happened in some parts of the state grid. We are sending a team from the Central Electricity Authority to Mumbai to sit down with the state transmission authorities and find out as to where the problem was, how it started, and how it can be ensured that this does not happen in the future. What needs to be done, I believe, is that the state transmission system carrying power to Mumbai, that needs to be strengthened. So that also will be discussed by the Central Electricity Authority with the state transmission authorities. That what more needs to be done to make sure that this does not happen again.